चार धाम यात्रा के खास बुलेटिन की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ गंगा यमुना की पुकार, बद्री केदार का श्रृंगार, खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ महेश बहुगुणा और इस वक्त मैं माँ गंगा यमुना के उद्गम जिला उत्तरकाशी में मौजूद हूँ। और यदि मैं इस जगह की बात करूँ, भारत के प्रसिद्ध दो ही काशी हैं, बनारस में है वाराणसी की काशी और उत्तर में पड़ती उत्तर की काशी, जिस जगह पर मौजूद हूँ। और यदि मैं इस जगह की बात करूँ, मणिकर्णिका का घाट, ये वो घाट है जहाँ पर देव डोलियाँ और माँ पार्वती ने स्नान किया था, वो जगह है। और मेरे सहयोगी आज राजेश मेरे सहयोगी हैं, दिखाएंगे जरा माँ गंगा। और यदि मैं आजकल माँ गंगा की बात करूँ तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, माँ गंगा का विशाल स्वरूप देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ से माँ गंगा का प्रकट्य होता है, गौमुख की बात करो, नंदन वन, रक्त वन, सुंदर वन, सुमेरु वन, मेरु पर्वत, तमाम जगह से जहाँ से ग्लेशियर पिघल के आता है, और जैसे गर्मी बढ़ती है ग्लेशियर का पिघलना ज़्यादा हो जाता है और माँ गंगा का भी विशाल रूप देखने को मिलता है, जैसे कि अभी सामने नज़र आ रहा है। जरा दिखाइए दोनों तरफ। यदि मैं सर्दियों की बात करूँ तो इस जगह पर माँ गंगा का बहुत सूक्ष्म रूप नज़र आता था, लेकिन आज की बात करूँ तो माँ गंगा का विशाल रूप सामने जो नज़र आ रहा है, इसके अलावा सामने भी इतनी ही माँ गंगा दो रूप में यहाँ पर बहती नज़र आ रही। जरा अपने सहयोगी राजेश से बताऊंगा, थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। शर्मा जी मेरे साथ, शर्मा साहब जरा ये गंगा का जो ये जहाँ से डिवाइडेड हो रही है दो, वहाँ से जरा दिखाइए दर्शकों के लिए। इसके अलावा मणिकर्ण की यदि बात करूँ, यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है अनेक, ये ऐसा घाट शिव भगवान की विशाल मूर्ति है। इसके अलावा सामने जो बोर्ड लगा हुआ पौराणिक मणिकर्ण घाट, यहाँ पर वर्षों से आरती होती है। लगभग अभी 6:20 का टाइमिंग है जब लोग आरती करने के लिए तैयार होती नज़र आ रहे। सामने तरफ कुछ माताएं भजन करती नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये इस तरीके से शाम को प्रातःकाल प्रत्येक दिन यहाँ पर आरती होती है और थोड़ी देर में दूर दूर से लोग पहुँचेंगे। सामने जरा दिखाइए ये झूला पुल, यदि बात करूँ ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको आने जाने के लिए करोड़ों रुपये का जो झूला पुल बनाया गया वो भी है। ख़ास तौर पर यदि मैं आजकल की बात करूँ, अभी की बात करूँ, वो सामने सूर्य भगवान भी अस्त होते नज़र आ रहे हो। देखिए सूर्य भगवान का जो गोला आकार में चमकती सूर्य भगवान की किरणें अभी नज़र आ रही। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, यदि इस घाट की बात करूँ, माँ गंगा की बात करूँ, जब आरती होती है तो माँ गंगा अस्त होती नज़र आती और प्रत्यक्ष अभी नज़र आ रही। जरा जूम करते दिखाइए, राजेश शर्मा साहब मेरे साथ है, थोड़ा बैक जाना होगा क्योंकि गंगा जो सूर्य भगवान का जो पूरा एक गोला के आकार में नज़र आ रहा हूँ, मुझे सामने नज़र आ रहा है। और देखिए खास तौर बताएंगे आपको, कुछ लोगों से करेंगे बातचीत यात्रा को लेकर के क्या कहने लोगों का। यदि मैं धामों की बात करूँ, चारों धाम जो देवभूमि पड़ते हैं, पहले यमुनोत्री की यात्रा होती है, फिर गंगोत्री, बद्री, केदारनाथ, और ये मुख्य पड़ाव है। यहीं से चारों धाम के लिए खास तौर रास्ता डिवाइडेड होता है। सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज मणिकर्ण का घाट से राजेश शर्मा के साथ महेश बहुगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस, उत्तरकाशी, उत्तराखंड।